तो जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाइयों और बहनों को। तो यार आज की जो वीडियो मैं लाया हूँ उसका नाम है टॉप 10 इंसल्ट्स ऑफ मौलानाज। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मैंने इस वीडियो के लास्ट तक अच्छे अच्छे वीडियो क्लिप्स डाले हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो, ये रही पहली क्लिप। तो दोस्तों आप ये पहले वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से मौलाना योगी जी को अपनी इस्लामिक टोपी पहनाने आता है, लेकिन योगी जी उसको ही टोपी पहना देते हैं। आप वहां जाके कह रहे हैं क्या? आप नहीं कहते कि शरिया का लॉ होना चाहिए वहां पे? आपने नहीं कहा कि मुस्लिम पर्सन लॉ बिल्कुल जायज है? आपने यहाँ पॉलिगमी नहीं फैलाई? आपने बच्चियों के अलाउंस नहीं खत्म किया? शाबानों केस आपको याद नहीं है? आप लोग कैसे खड़े हो गए? आपने किस किस चीज पे आप क्यों भारत को आप वो करने आए? क्यों? अरे आप समझ में आया ना? समझ में आया ना? और आप बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे हैं? नहीं आप सुनिए, अब वो नहीं रुकूंगा मैं। ये पहले अपने अल्फाज वापस ले। समझ में आया? बिल्कुल मैं नहीं रुकूंगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये पहले उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है? ऐसा नहीं, जिस लफ्ज से बोला है आपको बुरा लगा? बिल्कुल माफी मांगे पहले, ये खड़े मैं खड़ा होता हूँ। अगर ये माफी नहीं मांगेंगे ठीक है, मैं डिबेट नहीं करूंगा। देखिए अब आपको इतना बुरा लग गया, जिस जिस बताने बोला इस सड़कों में खून बहेगा, क्या करेगी? मुसीबत क्या करेगी? अच्छा मुसीबत बन जाएगी। नहीं धमकी नहीं देंगे आप? धमकी नहीं, नहीं नहीं मुसीबत। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही उनके लिए, इसके धमकी नहीं देंगे आप? धमकी मुसीबत बन जाएगी। नहीं सर, आई ऑब्जेक्टेड, आपने बोला मुसीबत बन जाएगी। माफी मंगवाइए इनसे। एक सेकंड, मैं डिबेट नहीं करूंगा। आपकी मर्जी है, बोला ना सारा साहब। नहीं नहीं, मेरा सवाल यह है कि दुर्गा पंडाल में अजान सही पढ़ी गई? बिल्कुल पढ़ी गई, सही पढ़ी गई, करना भी चाहिए, यही तो इस देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है। मैं सामने लेकर आई हूँ जानमाज, मैं ये बिछाती हूँ, आप देख लो ये जानमाज, ये इस पर, और मेरे पास ये भी है, हनुमान चालीसा भी है इस पर। शोएब जमाई जी, आप चूम कर एक बार जानमाज पर बैठकर सिर्फ एक दफा हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए, मैं मान लूंगी कि आप भी पाखंडी नहीं सेक्युलर। माइंड योर लैंग्वेज। आप बदतमीज किसी को बोल रहे हैं? आपने शब्द नहीं बोला। ये बदतमीज नेता तस्लीम रहमानी साहब को बेशर्म कहा, मनचले जो लड़के जैसा कह रहा है तुम हो, कि तुम आज शाहीन बाग में चिन्ह चोर हो, तुम आप लोगों की नेशनल टेलीविजन पर आकर जिंदाबाद के नारे लगाती हो, करने की गॉड से जिंदाबाद के नारे लगाती हो। एक सेकंड, संविधान पढ़ा शोएब जमाई, ऑडियो डाउन करिए शोएब जमाई का, शोएब जमाई का ऑडियो डाउन करिए, कैसे ठोक दूंगी। क्या बोला आपने? शोएब जमाई क्या है, इसकी औकात की हम लोग जैसे लोगों के साथ बात करने के लिए पैनल में बुलाया जाता है? पर अपना कानून थोपा, और आपने देखा होगा कि दो एयरक्राफ्ट कैरियर जो थे यूएस को, उसको एफ्लिक्ट किया कोरोना वायरस से। हमारे यहां भी उन्होंने कोशिश की, और उनका यही कैलकुलेशन था कि इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर की आड़ में हिंदुस्तान एक बार धरती खा गए वो लद्दाख में, लद्दाख में चुप कर, आप कोशिश कर, धरती माँ है, सब देशवासियों की धरती है वो। झूठ बोल रहे हैं आप इस देश, आज झूठ बोल रहे हैं इस डिबेट में। इसके साथ क्या है, आपके साथ बैठ कर तुम हमको बात करवा के, गलवान वैली में कब्जा हो गया, हमारी जमीन ले गया चाइना, हमारे घोड़े ले गया चाइना, हमारे मवेशी ले गया चाइना। आर एस एन आप रुकिए, आप क्यों भाग के जा रहे हैं, आप क्यों छोड़ रहे डिबेट को रोज रोज? इनको ऑडियो में म्यूट करते, आप अपनी बात को रखिए, हम सीरियस बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हम बात कर रहे हैं, इसको उठा के ले आते हो कहीं कहीं से? तो बड़ा खुश है कि आपका रॉकेट क्रैश कर गया, उनकी खुशी यही है। वो तो उनका तो एक मंत्री ने बोला हमें तो चांद पे जाने की जरूरत नहीं, हमारे झंडे में चांद है। अरे भाई वो खुद चांद पे बैठे हुए हैं, उनका उनका कोई ताल्लुक नहीं है।
देखिए ये वाहिद मुल्क है जो कभी मुल्क नहीं था और ना होगा। हाजी खान कुछ पूछा जा रहे हैं, हाजी खान बताइए बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। सर इतनी देर से आप अपने जहां आप पैदा हुए उस जमीन से दुनिया के इंसानों को मोहब्बत होती है, लेकिन आप पहले शैतान हमें नजर आ रहे हैं। शैतान जो अपने मुल्क में जहाँ पैदा हुआ हो, जिस मुल्क में वो पैदा हुआ हो उस मुल्क से भगोड़ा हो। नाम क्या है सर? मेरा नाम हाजिक खान है। हाजिक खान, हाजिक खान मौलाना, मौलाना अपने मुल्क से भगोड़ा हो। यहाँ क्यों इंडिया में क्यों बैठे हो खान साहब? हम इंडिया के पेड़ हैं, इंडिया में भाई चॉइस है। हम भाई चॉइस हैं। अरे भाई नहीं, चॉइस नहीं है। आपके बाप दादा, आपके बाप दादा यहाँ से भी भागे, आप चॉइस नहीं है। आप देश को बचाने और दो मुल्कों के बीच में दोस्ती नहीं, पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं। आपको तकलीफ क्यों हो रही है भैया? होगी ना, पाकिस्तानी है। इब्लीस नंबर वन है, वो पाकिस्तानी। मान लो मेरी एक बात और सुनिए, ये खान नाम के लोग जो है ना सब मंगोल है। आप आए तैमूर के किसी गधे घोड़े के ऊपर बैठ के, हमारे ब्रह्म राजपूत हैं, हम 1818 के अंदर मुसलमान हुए। बात सुने, बात सुने, बात सुने, बात सुने, जाने दें आप। हाजिक खान एक सेकंड, अब देख लीजिए आप कि ये उन्होंने छूटते ही एक मौलाना ने क्या लफ्ज बोला, शैतान। क्योंकि मैं हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा हूँ, इनको बड़ा दुख हुआ। अरे अरे नहीं, अब हुआ ना, हुआ अब, हुआ हुआ, बोल बोलिए। ये रिकॉर्ड पे है मौलाना, इस जुबानी पत्थरबाजी बंद करिए ना, एक एक करके बोलेंगे। आपने बोला वो सुन रहे थे, अब उनको बोलने दीजिए। आप बीच में जुबानी पत्थरबाजी मत करिएगा प्लीज, ठीक। अब एक मिनट, अब एक मिनट, अब एक मिनट, कोई बीच में नहीं बोलेगा। हो गया वकार साहब, बस बस वकार साहब, बस वकार साहब, आपसे नहीं सीखूंगा पत्रकारिता। जमातियों का समर्थन करने बैठ जाते हैं थूकबाज पत्थरबाज जमातियों का। अब एक मिनट शांत रहिए, अब आप शांत रहिए, अब आप। और ये धमकी मत दिया करिए बार बार टीवी पर बैठकर। आप शुरुआत से जब से बैठे तब से धमकी दे रहे हैं। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, क्या करेंगे? धमकी दे रहे हैं आप, धमकी दे रहे हैं बैठकर, धमकी दे रहे हैं आप बैठकर। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? पत्थर मरवाएंगे, पत्थर मरवाएंगे अपने मोहल्ले में बुलवाकर। चुप हो जाओ यार, आवाज में रिकॉर्ड हो रही है। जो हमारी मस्जिदों में हो रहा है वो आपको पता है, मुझे भी पता है। हम, मैं मुसलमान हूं, आप भी हैं, लेकिन ये गौर नॉन मुसलमानों को कहना कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ये झूठ है। एक मिनट, अब मैं बता देता हूँ। आपने जो एक बात कही है कि मस्जिदों में जिहाद पढ़ाया जाता है, ये नहीं, हाँ। मैंने नहीं कहा ये। फिर क्या कहना? मैंने कहा जिहाद के डॉक्ट्रिन को आप डिनाउंस नहीं करते क्या? आप अपने मुंह से आज कहें, हाँ, कि जिहाद का 21वीं सदी के अंदर कट गया, नेशन स्टेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ताल्लुक है, बताइए। मैं कहता हूं, लेकिन जिहाद को पहले समझ लीजिए। छोड़ें ये, आप किस जिहाद की बात कर रहे हैं? आप किसी की जान लेना ने जिहाद नहीं है सर। हमारे पैगंबर ने कहा है अगर दो भाई बिछड़े हुए हैं उनको मिला दीजिए, सबसे बड़ा जिहाद है। हजरत अली को किसने मारा मस्जिद में? कमाल की क्या बात कर रहे हैं? हम कब उनकी पूजा कर रहे हैं? अरे इमाम हुसैन को मानने वालों को हम खुद कह रहे हैं कि मुझे सबसे बड़े आतंकवादी हैं वो। हम खुद कह रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम, आप पहले उनको पढ़िए ना। मोहम्मद कासिम का आदमी क्या किया उन्होंने? ये क्या किया, क्या किया उन्होंने? जिहाद, आप जो मस्जिदों में जिहाद की बात कर रहे हैं, आप किस मस्जिद, आप एक मस्जिद की निशानदेही की जहाँ ये पढ़ाया जाता है? आप तो यहीं बैठे हैं ना। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम को आप डिनाउंस करते हैं? जो आप हजरत अली की बात कर रहे हैं आप, या इमाम हुसैन की बात आपने इमाम हुसैन की बात की है ना? हम तो इमाम हुसैन के कातिल को सबसे बड़ा दहशतगर्द कह रहे हैं, आपसे सबसे बड़ा आतंकवादी कह रहे हैं हम। देखिए आराम, क्या अली के मानने वाले को क्या हम पूजा कर रहे हैं? आराम से बात, क्या हम उसको मान रहे हैं? मौलाना साहब सीधा सवाल किया है, एज अ मुस्लिम आप सच बोले मैं भी बोलूंगा जी। मोहम्मद बिन कासिम को आप हीरो क्यों मानते हैं? देखिए उनकी तारीख को आपने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, ये तो हम जानते हैं। आप क्यों उसको हीरो मानते हैं? अरे कमाल की बात कर रहे हैं, हम तो ये मान रहे हैं कि उन्होंने किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया। मोहम्मद बिन कासिम, फिर अब आप कहेंगे साहब उन्होंने जुल्म किया, आप कहेंगे उन्होंने जुल्म किया। अरे तो जो आपने पढ़ा हुआ दाहिर की बेटियां अगवा करने वाले, ठीक है, 20,000 हिंदू औरतों को भगा के ले गया, आपका हीरो है? देखिए आप दिल्ली में किताबें छाप के बांट रहे हैं और मेरे सामने कह रहे हैं क्या मस्जिदों में कुछ नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है। और महमूद गजनवी, महमूद गजनवी को क्या कहेंगे आप? क्या वो हमारा हीरो है? बताइए, भी हीरो था, आज भी हीरो है सर, हीरो रहेगा। सोमनाथ कितनी दफा तोड़वाएंगे आप? उसकी तारीख भी तो उठा के देखो, क्यों हुआ ये वाकया, क्यों पेश आया? और तैमूर,
हम तैमूर की बात नहीं कर रहे हैं। औरंगजेब, हम औरंगजेब हीरो है हमारा, बताइए, और हीरो रहेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? आप चोर और कातिलों को हीरो बना दिया। आपके लिए चोर होंगे ना वो, बाप का हमारे लिए वो बनी है। बाप का कत्ल किया नहीं? देखिए क्यों किया, बेटे का कत्ल क्यों किया? आप ये देखिए कि 152 मंदिरों में उन्होंने आज तक जागीरें लगी हुई हैं, औरंगजेब ने लगाई हुई। हज किया उन्होंने? अरे हज क्यों नहीं किया? नहीं किया, कोई वजह रही होगी ना। अरे मौलाना पैसे कम पड़ गए। मेरे भाइयों, इस वीडियो में बस इतना ही। यार आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना चैनल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप तक ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलता हूँ दोस्तों, अपना ख्याल रखना। जय श्री राम।